स्टूडेंट्स वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16 ऑफ यूनिट 8 फॉर क्लास 4th इंग्लिश व्हिच इज बुक्स टेक आउट एंड ओपन योर इंग्लिश बुक एट पेज नंबर 135 स्टूडेंट दिस इज योर पेज 135 चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज बुक्स स्टूडेंट्स ये आपकी एक पोएम है बुक्स के बारे में चलिए आप हम इस पोएम में बुक्स के बारे में पढ़ेंगे So let's come in, said the library door. I opened it wide and saw many books galore. कह रहे हैं कि अंदर आओ कौन कह रहा है ये लाइब्रेरी का दरवाजा कह रहा है said the library door, यानी लाइब्रेरी का दरवाजा कह रहा है किससे कह रहा है सबसे कह रहा है कि अंदर आओ क्यों कह रहा है क्योंकि पढ़ने के लिए वो सबको बुला रहा है जैसा कि आप जानते हैं लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं तो पढ़ने के लिए सब कह रहा है बुला रहा है आई ओपन इट वाइड मैंने इसको वाइड ओपन किया एंड सो बुक्स गैलोर और वहां पर बहुत सारी बुक्स देखी गैलोर कहते हैं काफी संख्या में यानी ज्यादा तादाद में लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा तादाद में बुक्स होती हैं तो कह रहे हैं कि मैंने उसको जब ओपन किया गेट को लाइब्रेरी के तो वहां पर देखा कि वहां पर बहुत सारी बुक्स थी अब कैसी कैसी बुक्स थी वहां पर किस तरीके की वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स कह रहे हैं कि वहां पर लंबी स्किनी कहते हैं पतली जैसे स्किनी पर्सन के लिए यूज होता है लेकिन यहाँ पर बुक्स के लिए वर्ड यूज हुआ है कि पतली लंबी बुक्स वहां पर थी और कुछ ऊपर शेल्फ्स पे यानी अलमारी के जो खाने थे उनके ऊपर ऊंचाई पर रखी हुई थी लिटिल फैट बुक्स कुछ बुक्स कैसी थी छोटी थी कुछ बुक्स फैट थी यानी मोटी थी दैट स्टूड बाय देमसेल्फ और मोटी बुक्स जो थी वो अपने आप ही सीधी खड़ी थी यानी उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं थी तो वो अपने आप ही सीधी खड़ी थी आपने देखा होगा कि जैसे बुक पतली होती है अगर हम उसको खड़ा करें सीधे तो वो अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती है ना उसको थोड़ा सा आड़ा करके खड़ा करना पड़ता है लेकिन जो मोटी बुक होती है उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है जब हम उसको खड़ा करते हैं तो वो सीधी अपने आप खड़ी हो जाती है नेक्स्ट है आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज व्हाट अ वंडरफुल बुक कह रहे हैं कि उसमें से एक बुक मैंने खोली और मैं उसको देखने के लिए बैठ गया या बैठ गई जैसे यहाँ पिक्चर में भी नीचे दिखाया हुआ है अभी हम देखेंगे पिक्चर में एक बच्चा है वो बुक को खोलकर दो तीन बच्चे हैं ये इसमें दो बॉयज हैं एक गर्ल्स हैं ये दोनों बुक खोलकर बैठे हैं और ये कह रहा है कि मैंने उसमें से एक बुक खोली है और उसको देखने के लिए बैठ गया और उसमें क्या है उसमें पिक्चर्स हैं जो स्टोरीज बता रही हैं यानी कि उस बुक्स में स्टोरीज को पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है व्हाट अ वंडरफुल बुक और ये कितनी वंडरफुल बुक है कितनी अनोखी अच्छी बुक है देखिए ये पिक्चर में दिखाए हुए हैं और ये सारे बुक्स को लेकर खोल करके इसको बैठ कर देख रहे हैं और इसमें पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं और उन्हीं के थ्रू स्टोरीज बताई गई हैं स्टूडेंट्स अब आपके पढ़ रही है आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी ये आपकी पोएम के वर्ड मीनिंग है चलिए देखते हैं योर फर्स्ट वर्ड इज गैलोर गैलोर कहते हैं बड़ी संख्या में यानी ज्यादा तादाद में नेक्स्ट है स्किनी स्किनी मीन्स पतला शेल्व्स अलमारियों के खाने वाइट वाइट मीन्स होता है चौड़ा वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत यानी आश्चर्यजनक यानी जिस चीज को देखकर हमें हैरानी हो वो ओपन ओपन मीन्स खुला अभी आपके तीन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है चलिए इनको देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट डिड द लाइब्रेरी का दरवाजा क्या कहता है आंसर इसका द लाइब्रेरी डोर से टू कम इन लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर आने के लिए कहता है यानी वो सबको अंदर बुला रहा है क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइक कह रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स है वो किस तरीके की है कैसी दिखती है आंसर इसका सम बुक्स वर टॉल एंड थिन व्हाइल सम वर लिटिल एंड फैट बता रहे हैं कि कुछ बुक्स जो है वो टॉल है लंबी है थिन है जबकि दूसरी कैसी है कुछ छोटी है और कुछ मोटी है क्वेश्चन नंबर थर्ड है
Why did the child in the poem like looking at the pictures? कह रहे हैं कि पोएम के अंदर जो बच्चा है उसको पिक्चर्स देखना क्यों अच्छा लग रहा है. आंसर इसका, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड हिम स्टोरीज. पोएम के अंदर जो बच्चा है वो पिक्चर्स को देख रहा है, उसको पिक्चर्स अच्छी लग रही हैं क्योंकि वो पिक्चर्स जो हैं वो उसको स्टोरीज के बारे में बता रही हैं, यानी पिक्चर्स के थ्रू ही उसमें स्टोरी बताई गई है. स्टूडेंट्स अब आपको ये वाला वर्क अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ में आपको लर्न भी करना है. लेट्स लिसन. लिसन टू द वर्ड्स. कम इन, गो आउट अब नेक्स्ट है आपके लिए. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए उनको सुनिए. अब नेक्स्ट है आपके लिए, व्हाट वर्ड साइन हैव यू सीन और हर्ड. ये कह रहे हैं कि नीचे यहाँ पर कुछ स्पेस यानी जगहों के नाम दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको किस तरीके के साइन वहां पर लिखे हुए मिलेंगे या आप वहां पर सुनेंगे. जैसे एट होम, घर पे जब आप किसी के जाते हैं तो ज्यादातर क्या साइन आपको मिलता है वहां पर, क्या लिखा होता है? वेलकम. नेक्स्ट है एट द वेजिटेबल शॉप. सब्जी वाले की शॉप दुकान पर आपको क्या और लिखा हुआ दिखाई देगा? फिक्स्ड प्राइस या तो लिखे होते हैं या प्लीज डू नॉट बार्गेन. नेक्स्ट है एट द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या लिखा होता है? लाइब्रेरी में लिखा होता है कीप साइलेंस, यानी खामोश रहिए. एट द डॉक्टर्स प्लेस. डॉक्टर की शॉप पर या जब आप जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, वहां पर क्या लिखा होता है? स्टे हेल्दी, यानी तंदुरुस्त रहिए. एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे क्या लिखा होता है? प्लीज स्टैंड इन अ लाइन, यही लिखा हो सकता है कि लाइन में खड़े रहिए. एट द टॉय शॉप. टॉय शॉप पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको या आप वहां पर क्या सुनेंगे? कम लेट्स प्ले, आओ खेलें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेट्स राइट. मेक वर्ड फैमिलीज, द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज बीन रिटन फॉर यू. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यहाँ पर हैं, उनको आपको जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं ई डबल एल की हेल्प से, यानी ये वाला ऐड करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं. और एक एग्जांपल यहाँ पर सबके लिए करके दिखा हुआ है. जैसे फर्स्ट है यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, ये वेल है, कुआं है, तो ई डबल एल सबके लास्ट में हमें जोड़कर वर्ड बनाते जाने हैं. दो मैंने लिखे हैं, बाकी आप लिखेंगे. जैसे एक यहाँ पर दिखा हुआ है डब्लू, इसमें हमें ऐड करना है ई डबल एल, वेल. अब ये इससे बनेगा एस एच. इन्होंने यहाँ पर कुछ दो लेटर यहाँ पर दिए हैं, बाकी आप खुद फील करेंगे. तो क्या ऐड करना है एस एच में हमें? ई डबल एल एल. तो ये बन गया आपका शेल, वेल शेल. अब इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे बेल, स्पेल और टेल. नेक्स्ट है यहाँ पर, अब आपको जो वर्ड यहाँ पर ये लेटर दिए हुए हैं इसमें आपको ए आई एल ऐड करना है. एक यहाँ पर लिख के दिखाया है टी ए आई एल, टेल. एक मैंने लिखा है एम ए आई एल, मेल. अब नेक्स्ट आप लिखेंगे ट्रेल और लिखेंगे यहाँ पर रेल. ऐसे यहाँ पर डबल ई यूज करना है आपको. एस डबल ई सी, ये इन्होंने लिखा दिखाया, मैंने लिखा है टी एच आर डबल ई थ्री. अब यहाँ पर आप बनाएंगे बी और ट्री. नेक्स्ट है लेक्स में आपको क्या लगाना है, डबल ओ के यूज करना है, लगाना है वर्ड बनाना है. अब एक यहाँ पर दिखाया इन्होंने बी डबल ओ के बुक. एक मैंने लिखा है एल डबल ओ के लुक. अब नेक्स्ट आपके लिए बनेंगे यहाँ पर, ये बनाएंगे आप क्रूक, शुक और ब्रूक. नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंस. अब आपको नीचे एक सेंटेंस दिया है, उसको देखना है. देखिए क्या है वो सेंटेंस. आवर लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर बुक्स को रखा जाता है. तो यहाँ पर ये ब्लू वर्ड दिया है, यानी यहाँ पर हम ये ब्लैंक है एक तरीके से इसको फिल किया है. अब नेक्स्ट है आपके लिए, नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दीज सेंटेंसेस. अब नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए, उनको पढ़कर आपको ब्लैंक को फिल करना है. जैसे फर्स्ट है एन डैश इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड. एक ऐसी जगह का नाम बताना है आपको जहां पर एरोप्लेन टेक ऑफ होते हैं और लैंड करते हैं, तो वो जगह है आपकी एयरपोर्ट, यहाँ पर फील करेंगे आप. सेकेंड है आर डैश इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड. एक ऐसी जगह जहां पर खाना पकाया जाता है, कौन सी जगह है वो? किचन. यहाँ पर आप किचन वर्ड फील करेंगे. थर्ड है आर डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ. एक ऐसी जगह है जहां पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है. कौन सी जगह है जहां पर बीमारों का इलाज किया जाता है? हॉस्पिटल. यहाँ पर फील करेंगे आप. फोर्थ है अ डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स.
एक ऐसी जगह जहाँ से आप चीजें खरीदते हैं। कौन सी जगह है? जहाँ से आप चीजें खरीद कर लाते हैं, मार्केट से। यहाँ पर फोर्थ में आप मार्केट फील करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है आपका फिफ्थ, आदेश इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं? पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आप भी जाते हैं ना, तो कहाँ जाते हैं? स्कूल। यहाँ पर लास्ट में फिफ्थ में आप स्कूल फील करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। जितना भी वर्क मैंने आपको बुक का दिखाया है वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे और फील करेंगे, और शीट वाला वर्क आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 16 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।